गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन 7। आई टोल्ड यू अर्लियर द स्टोरी ऑफ दिस लेसन एंड वी हैड ऑलरेडी डन वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। बेटा, यू हैव टू रीड द होल स्टोरी। आप खुद भी रीड करिए। जो मैंने आपको रिवीजन करवाई है, स्टोरी बताई है, प्लीज लिसन इट केयरफुली, बिकॉज दी स्टोरीज विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेप्टेम्बर एग्जाम के लिए आपको पूरे लेसन भी रीड करने हैं एंड उस लेसन के अंदर से ही आपके क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। सो रीड योर लेसन केयरफुली एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड बुक एक्सरसाइज ऑल्सो केयरफुली। नाउ बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 7 on the top of the word question answer. First of all, I want to tell you that this lesson is about the conquering the mountains. It means mountains को जीतना, उसके बारे में इन्होंने दिया है। Now first question बेटा, what are the precautions that Mark English took during his climb to the summit? Summit means चोटी। जो यहाँ पर मार्क इंग्लिश था, डू यू नो अबाउट मार्क इंग्लिश? मार्क इंग्लिश दैट वाज अ पर्सन हु वाज हैंडीकैप। ही लॉस्ट हिज लेग्स इन द आइस स्टॉर्म। तो बर्फ में क्या हुआ था, इनकी दोनों लेग्स खराब हो गई थी एंड हिज बोथ लेग्स वर आर्टिफिशियल लेग्स थी। आर्टिफिशियल लेग होने के बावजूद इन्होंने क्या किया था, कंकर की थी माउंटेन। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस होती है सावधानियां दैट मार्क इंग्लिश टुक ड्यूरिंग हिज क्लाइंब टू दिस समिट। चोटी चोटी पर चढ़ते टाइम उन्होंने कौन कौन सी प्रिकॉशंस ली थी, देखिए सावधानियां। ही वॉज कैरिंग अ स्पेयर सेट ऑफ लेग्स एज वेल एज इक्विपमेंट टू मेक नेसेसरी रिपेयर इन केस एनीथिंग वेंट रॉन्ग विद द आर्टिफिशियल लेग्स। देखिए, ही वॉज कैरिंग अ स्पेयर सेट ऑफ लेग्स, अपने साथ उसने स्पेयर सेट रखा था लेग्स का एंड क्या क्या था, इक्विपमेंट टू मेक नेसेसरी रिपेयर। अगर कोई लेग में प्रॉब्लम हो जाए, रिपेयर करनी पड़ जाए, तो उसके बारे में उसने वहाँ पर अरेंजमेंट कर रखी। नाउ क्वेश्चन टू, हाउ डिड इंग्लिश डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ वन आर्टिफिशियल लेग अर्लियर ड्यूरिंग क्लाइंब। इंग्लिश कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि जब माउंटेनिंग के दौरान उनकी लेग आर्टिफिशियल लेग ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी। देखिए क्या कहते हैं कि डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ वन आर्टिफिशियल लेग एज माइनर हिकअप। क्या कहते हैं वो, ब्रेकिंग ऑफ वन आर्टिफिशियल लेग इज का माइनर हिकअप। माइनर हिकअप मीन्स हिकअप होता है यानी कि माइनर चोट, हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द इंस्पायरिंग मैसेज दैट मार्क इंग्लिश गेव बाय हिज एस्टाउंडिंग फीट, सरप्राइजिंग फीट के बारे में क्या मैसेज देते हैं मार्क इंग्लिश? मार्क इंग्लिश, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ही बिलोंग टू न्यूजीलैंड। मार्क इंग्लिश सेड दैट वंस फिजिकल डिसएबिलिटीज शुड नेवर बी अलाउड टू वन इन दी वे ऑफ वन एम्बिशन। कि क्या मैसेज देते हैं, वंस फिजिकल डिसेबिलिटी, इफ समबडी इज फिजिकल डिसेबल, अगर कोई डिसेबल है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसकी एम्बिशन कम पूरी फुलफिल नहीं होगी। इट मीन्स किसी के एम्बिशन के बीच में उसके डिसेबिलिटी नहीं आ सकती। दिस इज अ वेरी गुड मैसेज एंड इंस्पायरिंग मैसेज। नाउ क्वेश्चन फोर, व्हाट आर द अदर चैलेंजिंग रोल इन विच मार्क इंग्लिश हैड सक्सीडेड, और कौन कौन से चैलेंजिंग रोल ही प्ले, कौन कौन से रोल प्ले करते हैं। देखिए, मार्क इंग्लिश हैड सक्सीडेड इन मैनी चैलेंजिंग रोल रेंजिंग फ्रॉम लेगलेस स्काई गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्क इंग्लिश बड़े ही सक्सेसफुली अदर जॉब्स भी करती हैं। कौन सी करती हैं, लेगलेस स्काई गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च साइंटिस्ट एक लैब थी, वहाँ पर ये स्काई गाइड, लेगलेस स्काई गाइड था। देखिए, स्काई गाइडिंग करना और लेगलेस, इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल।
इन वुमेन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में भी उन्होंने डिग्री ली थी। थर्ड ही वॉन अ साइकिलिंग सिल्वर मेडल एट सिडनी पैरा ओलंपिक इन 2000। तो जो साइकिलिंग का पैरा ओलंपिक था, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट पैरा ओलंपिक मीन्स ओलंपिक गेम्स फॉर द फिजिकल हैंडीकैप पीपल, जो 2000 को ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसमें ही वॉन द सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग विद आर्टिफिशियल लेग, ही गॉट सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग। दीज आर द क्वेश्चन आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक एक्सरसाइज। यस लिसन बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। इज और आर का यूज करना है यहाँ। देखिए मोना एंड हरप्रीत, देखिए जहाँ पर टू हैं, मोना एंड हरप्रीत, कितने पर्सन है? टू। टू पर्सन के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आर का, आर कजन्स। आगे देखिए, वन ऑफ द रूम्स, यानी कि रूम्स में से एक रूम, मीनिंग समझिए बेटा इसका, वन ऑफ द रूम्स यानी कि बहुत सारे रूम्स में से एक रूम, इज पेंटेड इन पिंक। तो यहाँ पर आर का यूज़ नहीं होगा, हम रूम्स को देख के आर का यूज़ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है वन, वन ऑफ द रूम्स, बहुत सारे रूम्स में से एक रूम, इज पेंटेड इन पिंक, पिंक पेंटेड है। थर्ड देखिए, देयर ग्रैंड पेरेंट्स, देखिए ग्रैंड पेरेंट्स हमारे दो होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, आर वेरी कंसिडरेट टू द चिल्ड्रन। तो इसमें आर का यूज होगा क्योंकि प्लूरल आया है। नेक्स्ट देखिए, ईच पेशेंट, बेटा कहीं पर भी ईच आ जाए, एवरी आ जाए, तो वहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होती है। अब देखिए, ईच पेशेंट इज गिवन फूड बाय द हॉस्पिटल, तो ईच के साथ क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स इज का यूज होगा। नोबडी के साथ भी, नोबडी क्योंकि कोई पर्सन है ही नहीं, इज आंसरिंग द फोन, तो इज आएगा। अब देखिए, लिस्बन एंड प्राग, तो दो हैं, तो दो के साथ किस चीज़ का यूज करेंगे हम? आर का। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाइदर ही नोर शी। देखिए नाइदर जहाँ पर आ जाता है उसको सिंगुलर समझा जाता है, तो उसके साथ देखिए हमने कहा था प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट इनडेफिनेट में सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज होता है, प्लूरल के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता। अब यहाँ क्या है, नाइदर ही नोर शी, ना तो उस लड़के ने ना लड़की ने, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा या ई एस आएगा, तो वॉन्ट्स। नेक्स्ट देखिए, जेम्स एज वेल एज नेहा, देखिए जेम्स एंड एज वेल एज नेहा, यानी कि उसके साथ साथ वो भी, ये भी सिंगुलर समझे जाते हैं बेटा, तो इसके साथ अटेंड्स का यूज होगा, अटेंड का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एवरी लिटिल चाइल्ड, एवरी, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ईच और एवरी क्या है? सिंगुलर समझे जाते हैं, तो ईच और एवरी के साथ हमारा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज एवरी वन ऑफ अस, आगे आएगा डू स्टूपिड थिंग्स, डू यहाँ एज अ वर्ब यूज हुई है, तो इन्होंने कहा व्हाई एवरी वन, एवरी वन आ गया, एवरी वन हमारा क्या है? एवरी वन सिंगुलर है, मैंने बताया था एवरी है ईच है, तो इसके साथ डू का यूज नहीं होगा, डज का यूज होता है। नीता विद सेवरल अदर्स, नीता, नीता एक है, विद सेवरल अदर्स, इसके साथ वी हैव टू यूज वोज, बिकॉज वोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोज का यहाँ यूज होगा। ईच पेशेंट वोज, वोज आएगा यहाँ पर भी। आइदर द पेंटर्स और द स्कल्पचर्स आर का यूज होगा। सनफ्लावर्स और हिबस डज का यूज होगा। वाई डज एवरी वन, एवरी वन है, एवरी वन के साथ डज का यूज होगा। द मैन एंड द वुमेन, दो हैं यहाँ, मैन भी और वुमेन भी है, तो वर्ब का यूज होगा। दिस इज द बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। यू हैव टू लर्न दिस बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।